गूगल ने अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह अपनी भी शॉपिंग वेबसाइट स्टार्ट कर दी है। लोग अब गूगल शॉपिंग वेबसाइट से भी खरीदारी कर सकते हैं। गूगल का कहना है कि इसमें लगे फिल्टर्स की वजह से लोगों के शॉपिंग करने का अंदाज बदल जाएगा। इसमें खरीदारों को बेहतरीन ऑफर्स और टॉप डील्स जैसे फिल्टर्स बनाए गए हैं। दोस्तों, देश में तकरीबन 5.8 लाख छोटे और मीडियम बिजनेस हैं, जिनमें से 35% रिटेल व्यापार के हैं। हालांकि इनमें से बहुत ही कम व्यापारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। तो ये रिटेलर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो लाखों करोड़ों लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा सके, और वो भी बिना किसी खर्चे के, यानी फ्री में। तो आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, गूगल के अनुसार इंटरनेट प्रयोग करने के मामले में भारत का नंबर दुनिया भर में दूसरा है, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आज 400 मिलियन भारतीय ऑनलाइन है, जिनमें प्रत्येक में हर तीसरा व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग करता है। गूगल के मुताबिक देश भर में 58 मिलियन स्मॉल मीडियम बिजनेस है। गूगल का कहना है कि मर्चेंट सेंटर को खास तौर पर व्यापारियों के लिए बनाया गया है, जहां कोई भी व्यक्ति मुफ्त में प्रोडक्ट डिटेल्स अपलोड कर सकता है। www.google.com/shopping पर जाकर यूजर अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट से जुड़ी सूचनाएं जैसे पॉपुलर ऑन गूगल, टॉप डील्स, प्राइस ड्रॉप और रिव्यूज भी देख सकते हैं। गूगल का नया शॉपिंग टैब गूगल सर्च और गूगल लेंस में भी दिखाई देगा। गूगल मर्चेंट सेंटर में हिंदी का सपोर्ट है, पहले यह केवल अंग्रेजी भाषा में ही था। इसके अलावा यूजर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। फिलहाल गूगल का शॉपिंग टैब पहले से ही 30 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है। भारत में गूगल शॉपिंग को 10 डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है। गूगल ने सेलफोन, मोबाइल एक्सेसरीज, मेंस क्लोथिंग, वुमेन क्लोथिंग, बुक्स, वॉचेस, मेकअप, पर्सनल केयर, अप्लायंसेस और होम डेकोर जैसे डिपार्टमेंट बनाए हैं। फिलहाल यह रिटेलर्स और कंज्यूमर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा, वहीं ट्रांजेक्शन और प्रोडक्ट की डिलीवरी मर्चेंट करेगा। फिलहाल गूगल ने ई कॉमर्स कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट, पेपरफ्राई, स्नैपडील, शीन, क्लब फैक्ट्री के साथ करार किया है। साथ ही स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को भी अपने नेटवर्क में जोड़ा है। गूगल के मुताबिक वह अपने शॉपिंग फीचर में पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल करेगी। गूगल शॉपिंग पर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए रिटेलर्स को कोई फीस नहीं देनी होगी। गूगल लेंस के अंदर स्टाइल सर्च ऑप्शन में यूजर्स अपने स्मार्टफोन में मौजूद लेंस ऐप से कपड़े, फर्नीचर और होम डेकोर का सामान सर्च कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप रिटेलर हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। गूगल के साथ जुड़कर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं और कमा सकते हैं बढ़िया प्रॉफिट। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।